जो है मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से गाजर जो है ले लिया है। यहाँ पर लगभग हाफ किलो जितना है गाजर, तो इसको जो है मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया है गाजर को। तो अब इसको जो मैं ग्रेट कर लूँगी। सो बने रहिएगा दोस्तों, मैं किस तरह से बनाऊँगी गाजर का हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। तो पहले जो है इसको मैं कुछ इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। इस तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको जो है इस तरह से मैं निचोड़ लूँगी पहले तो। तो कुछ इस तरह से ग्रेट करने के बाद इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, ड्राई कर लिया है। ये फ्रेंड अभी जो है मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन किया है। यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ घी, जो कि ठंडी के कारण पूरा ही जम गया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इलायची और लौंग, पर डाल के कूट रही हूँ उतली पे। तो जिस तरह से मैंने इसको जो है कूट लिया है, दूल्हा बना लिया है, तो इसको यहीं पर डाल दे रही हूँ। तो ये मुझको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, तो इसको मैं डाल दे रही हूँ यहीं पे। क्योंकि गाजर को जो है मैं पहले तो घी के साथ अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इस तरह से बनाने से ज्यादा दूध नहीं चाहिए, कम दूध में भी बन जाता है। नहीं तो अगर पकाकर बनाएंगे तो ज्यादा उससे दूध का खर्चा रहेगा। तो इस तरह से भी हम लोग टेस्टी वाला गाजर का हलवा बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि पहले जो है इस तरह से फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि घी पे अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें दूध डालकर और पका लूंगी। पर जो है मैंने दूध जो है ले लिया है, और यहाँ पर दूध मैंने हाफ किलो के बराबर लिया है, क्योंकि हाफ किलो गाजर था तो दूध भी मैंने हाफ किलो लिया है। तो इसको मैं उबाल लूंगी यहाँ पर। जब तक ये फ्राई होते रहेगा तब तक मैं इसको उबालूंगी। और इसको जो है मैं फ्राई करते करूंगी। अब ये नहीं पका है, इस पे क्रंची बन ही है, तो इसको और अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। ये जो है बहुत ही टेस्टी वाला फ्राई का स्मेल आ रहा है, बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पे लौंग और इलायची डाल दिया था कूट के। तो यहाँ पर मैंने 3 इलायची और लिया है, तो इसको जो है मैंने और कूट के इस तरह से यहाँ कुछ इस तरह से इसको मैं दूध पर डाल दे रही हूँ, ताकि और अच्छे से इसका जो है सेंट आए। देखिए फ्रेंड, गाजर जो है कुछ इस तरह से फ्राई हो रहा है। अभी को ये नहीं पका है, वैसे इस पर जो है क्रंचीपन है और भी, तो गैस को जो है लो फ्लेम पर करके अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर जो है दूध थोड़ा बहुत उबल रहा है, और मैंने इस पर इलायची डाल दिया है थोड़ा बहुत कूट के। तो दूध जो है उबल रहा है, ये इसको जो है अच्छे से उबाल लूंगी पहले तो। तो गाजर जो है पका नहीं है और भी अच्छे से पका नहीं है ये। तो दूध जो है उबल गया है, तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी थोड़ा टाइम। जो है ये फ्राई हो गया है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी। तो मैं चीनी के साथ थोड़ा टाइम और फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ लगभग 3 इस तरह से 3 मुट्ठी चीनी।
तो अब जो है मैं चीनी के साथ फ्राई करूंगी। तो अब मैं डाली रही हूँ उबला हुआ दूध, अब दूध के साथ पका लूंगी थोड़ा टाइम। तो इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है, गाजर का ही कलर आया है। अगर जो जो किसी को भी गाजर का हलवा खाना हो तो उसको कुकर पे बनाकर और ज़्यादा ताम झाम करके बनाना ही ज़रूरी नहीं है। कुछ इस तरह से भी सिंपल और कम खर्चे में भी कुछ इस तरह से टेस्टी वाला गाजर का हलवा बनाकर घर पे खा सकते हैं, जो कि मैंने ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी करके बनाया है ये वाला गाजर का हलवा। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर दूध जो है अभी सब अब्सॉर्ब कर रहा है गाजर। तो देखिए फ्रेंड, गाजर का हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है। फ्रेंड, गाजर का हलवा जो है कुछ इस तरह से मैंने ड्राई करके फ्राई कर लिया है। तब इसको जो है मैं ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही टेस्टी और यम्मी गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। गाजर का हलवा जो है बन के रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना हुआ है और बहुत ही यम्मी। कुछ इस तरह से गाजर जो है अच्छे से कुक हो गया है। जिस किसी को भी अगर गाजर का हलवा ज़्यादा तामझाम ना करते हुए टेस्टी वाला हलवा खाना हो तो इस तरह से बनाइएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। तो अभी मैं सबको दूंगी ये गाजर का हलवा। तो ये दे रही मैं गाजर का हलवा। बहुत ही टेस्टी हुआ है।